नमस्ते, माइसेल्फ डॉक्टर विभा फ्रॉम नेसिया है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मुद्रा सीरीज शुरू की है और आज की मुद्रा हमारी है प्राण मुद्रा। तो पहले हम जानते हैं यह प्राण मुद्रा कैसे की जाती है, इसका साइंटिफिक संदर्भ, विद एलिमेंट्स और फिर इसके उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो प्राण मुद्रा के अंदर हम पृथ्वी, जो कि हमारी रिंग फिंगर है, जल, जो कि हमारी लिटिल फिंगर है, और हमारी अग्नि, इन तीनों उंगलियों का प्रयोग करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, पृथ्वी जो कि हमारी रिंग फिंगर है, जल जो हमारी लिटिल फिंगर है, और अग्नि जो हमारा थंब, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं और बाकी दोनों उंगलियों को स्ट्रेट रखते हैं, तब हम इस प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं। यह आप प्राणायाम करते वक्त सिद्धासन में, स्वस्तिक आसन में, वज्रासन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान में की गई कोई भी मुद्रा ज़्यादा फलदायी रहती है, परंतु मैं कहती आ रही हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं, तो आप जब भी मौका मिले मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम से आपको मालूम पड़ा, प्राण, तो हमारे शरीर में पंच वायु हैं। हमारे गले के ऊपर उदान वायु, चेस्ट में प्राण वायु, हमारे डाइजेशन में समान वायु, और हमारे एक्सक्रीशन के लिए अपान वायु, और पूरे शरीर में सर्कुलेशन के लिए व्यान वायु कार्य करती है। तो प्राण वायु जो हमारा चेस्ट रीजन है, जहाँ पर हमारे लंग्स एंड हार्ट है, यह उसको नियंत्रित करती है। तो ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू द सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन कैन बी इम्प्रूव बाय प्रैक्टिसिंग प्राण मुद्रा। साथ में प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस आप हॉर्मोनल इम्बैलेंस में कर सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर में कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं बट मेंटली लो फील करते हैं, तो भी आप प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके अंदर जीवन का संचार उत्पन्न करती है। इस प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस आप दूसरी मुद्राओं के साथ एज ए कैटलिस्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर इस प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस आप दूसरी मुद्राओं के साथ करते हैं, तो इफेक्ट विल बिकम डबल। सो दिस इज द प्राण मुद्रा'स बेनिफिट। दूसरा, आपको मैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि यह पृथ्वी और जल, पृथ्वी और जल से कफ दोष का मिलन होता है। मीन्स पृथ्वी और जल जब मिलते हैं तो कफ दोष, तो शरीर में जब भी कफ दोष का बैलेंस करना हो, तब भी हम प्राण वायु की प्रैक्टिस करते हैं। और यदि पित्त बढ़ गया हो, बहुत गर्मी लग रही हो, हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हो, तब भी हम यदि प्राण मुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यह अग्नि इस पृथ्वी और जल तत्व को बैलेंस करती है, तो हम प्राणवायु का संचालन करके अपने शरीर में उसके बेनिफिट्स को पा सकते हैं। यह मुद्रा कितनी देर करनी चाहिए, तो सामान्य रूप से 10 से 15 मिनट एवरीडे करने से इसका हम बेनिफिट पा सकते हैं। आप इसको डिवाइडेड टाइम में भी कर सकते हैं, अगर आप 15 मिनट बैठना आपके लिए मुश्किल है। तो कीप प्रैक्टिसिंग मुद्रा एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।